अंतर्राष्ट्रीय खेल हो गया है, उनको भी पहचान है, बेड़ी दौड़ है, समस्त और सबसे जो देश में कहीं नहीं खेला जाता है, छत्तीसगढ़ में वो खेल की पहचान है, वो फुगड़ी है। फुगड़ी हमारे हॉकी खिलाड़ियों को भी खेलना चाहिए, उसको आपको मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में प्रैक्टिस कर, दो जने हो, चार जने हो, ना हो तो अकेले खेल सकते हैं। तो फुगड़ी खेलने पूरे शरीर का एक साथ व्यायाम होता है। और आपके नए बच्चे, पुराने जो लोग हैं वो खेल फुगड़ी खेलते थे, 60 और 65 साल के जो महिलाएं हैं वो फुगड़ी खेल के अव्वल स्थान, और उनके रिकॉर्ड मतलब 30-35 मिनट तक के कंटिन्यूशन खेलने के उनका रिकॉर्ड है। तो ये यदि उसमें देखिए, जब खेल खेलते हैं तो इसका मतलब दूसरा खेल ना खेलें ऐसा नहीं है, दूसरे खेल भी खेलते रहेंगे तो उसका फायदा अपने मुख्य जो खेल है उसमें जरूर मिल। यदि फुगड़ी खेलेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, यदि पिट्टूल और कंचन है तो समझ लो आपके एकाग्रता में और निशाना लगाने में आपको सहायता नहीं, दूसरे खेल को आप ना खेलें, जहाँ समय मिलता है दूसरे खेल भी खेलें। लेकिन मान लो हॉकी के खिलाड़ी हैं तो पूरा ध्यान है वो हॉकी खेल में होना चाहिए, लेकिन साइड में खेल खेलते रहें ताकि उसे आपको एक सपोर्ट मिले। तो ये जरूरी है कि दूसरे खेलों को भी प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, दिल में भी हमको पारंगत होना चाहिए। तो मैं बच्चों को बधाई और शुभकामना देते हुए, जो अकादमी खोले हैं आप देख, चाहे वो तीरंदाजी के क्षेत्र में हो, बैडमिंटन में, अब नेशनल सेलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ है, अब क्रिकेट में आप देखेंगे, अब हम लोगों ने रोड सेफ्टी मैच दो करा लिए, अब तीसरा इंटरनेशनल मैच है। तो लगातार हमारी सरकार है वो खेल के प्रति समर्पित रहा। इस अवसर पर आप सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। 100 व्यक्ति का काम एक मशीन का